देखिए, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से ये कुछ लोग आए हैं, जिन आरोप है और इनके साथ वाकई ये हुआ भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिनके तहत इनका फॉर्म तो भरे गए थे लेकिन इनको वो आवास नहीं दिए गए हैं। ये देखिए, ये महाराष्ट्र से आए हैं। मोदी जी लगातार कहते हैं हम आवास दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं। ये देखिए, इनको सिर्फ बहलाया फुसलाया गया है, कहें तो बेवकूफ़ बनाया गया है प्रधानमंत्री योजना के तहत। ये देखिए, काफ़ी संख्या में, मैं कहूँगी तो हज़ार से ज़्यादा संख्या है जिनके साथ ऐसा हुआ है कि इनके फॉर्म तो भर लिए गए हैं लेकिन इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत इनको कोई भी आवास नहीं दिया गया है। आखिर इनके जो फॉर्म भरे थे, जो आवास इनके अलॉट किए गए थे, वो आवास आखिर किसको दिए गए हैं? वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कि मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। लगातार आपने टीवी चैनल पे सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, दिखावा और कहना, कहते हैं ना कि उसको अमल में लाना कुछ और ही होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके फॉर्म भरवाए गए थे लेकिन कुछ दिन बाद इनके फॉर्म भरवा तो लिए लेकिन कुछ दिन बाद इनको जो आवास मिलना था वो नहीं मिला है। आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है? जो इनके अलाउट किए गए थे फॉर्म के थ्रू आवास, वो आखिर किसको दिए गए हैं? ये भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि सरकार एक तरफ आवास योजना के तहत मजदूरों, दबले कुचलों को आवास देती है और एक तरफ यहाँ पे घोटालेबाजियाँ हो रही हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हमारा नाम, हाँ, हमारा नाम रंजीत फिरंगिया पौरा, रहने वाले नंदुरबार जिला, तालुका दड़गांव। आप इन सभी जो हैं मजदूर ही होंगे, ये लोग मजदूर हैं, इन सबको आप लेकर के आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। क्या इन लोगों के साथ हुआ है? क्या इन लोगों के साथ, हमारा फाइल 3200 फाइल भरी थी, इसमें से 1351 को मिल गया, अलाउट हो गया, अलाउट हो गया, और 1840 मजदूरों को यो पंतप्रधान योजना नहीं मिली थी, इसलिए हम यहाँ नंदुरबार जिला से यहाँ दिल्ली में पहुँचे अहवाल देने के लिए। हमको एक वो सब है, पत्रचार अपना, अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं आप लोगों के पास। हिंदी आता है? नाम पिंटिया पावरा। क्या हुआ? मैं महाराष्ट्र से नंदुरबार जिला दड़गांव तहसील से आए है। हमारे ग्राम पंचायत में 2008 खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, उभरे आखा उभरे जाओ। हमारा 2018 में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 3200 पात्र लाभार्थी का सर्वे हुआ था। उन सर्वे में सभी लाभार्थी का अप्लाई हुआ था, उसमें जानबूझकर जो ग्राम पंचायत का प्रधान रहता, सदस्य, ग्राम सेवक रहते, वो उन्होंने हमारा ऑनलाइन डाटा अपलोड किया नहीं। 1840 जो पात्र लाभार्थी थे वो उसमें वंचित थे, हमारे राजबाड़ी ग्राम पंचायत नंदुरबार जिला में। तो हमारे पूरे जिले में सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत के 1840 वंचित है, तो पूरे जिले का कितना आंकड़ा होगा? वो सब इंक्वायरी करके उनकी चौकीचे होनी चाहिए। जिसकी जिसकी उम्र अभी ये 50 और 60 साल के आदमी, उनको नहीं दिया। एक पहले में पढ़ाई करता, एक छवी में पढ़ाई करता, उन दो बच्चों के नाम फाइनल यादी में प्रधानमंत्री आवास योजना में आए हैं, जो उनको वही मर्यादा से उनको लाभ नहीं मिल सकता। तो फर्जीवाड़ा करके ये ऐसे प्रधानमंत्री ग्राम योजना, जो प्रधान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको, आप इन मुद्दों को लेकर के वहाँ के सांसद के पास गए? गए, सांसद बीजेपी से है ना वहाँ की? सांसद के पास नहीं गए हम, जो जिला परिषद है सीओ, उनके पास, सांसद जी के पास नहीं गए आप लोग? नहीं गए। क्यों नहीं गए?
ऐसे में ये जो अपने अधिकारी थे उनसे हम बातचीत किए, हमको उनको हमने निवेदन दिया। आज क्या क्या आश्वासन आया, क्या उन्होंने जवाब दिया आप लोग? उन्होंने बोला तुम्हारा सर्वे होगा, जो अभी दो यादी फाइनल यादी है उनको मंजूर हो जाने दो, उसके बाद में जो सर्वे आएगा देश का तो तुमको लाभ मिलेगा, ऐसा बोला। कब भरा था फॉर्म आपने? 2018 में। और अलाउड कब हो गए थे? ये अभी इस साल 2022 को। 2022 को, लेकिन आप लोगों के नहीं आए? हमारे 1800 लोगों का, 1840 लोगों का नहीं आया है। जो छोटे अलाउड हो गया लेकिन तुम्हें नहीं मिला? हमें नहीं मिला। जो छोटे बच्चे थे, एक का 7 साल का है, एक 12 साल का है। क्या लग रहा है कि उसको बेच दिया गया है? आपका नाम लेकर के, आपके नाम से निकाल करके किसी और को बेच दिया गया, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ये जो भी योजना है ये माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अच्छी योजना निकाली गरीबों। आप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या इस चीज का? मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, ये अपने ग्राम पंचायत का जो कारोबार है, ग्राम सेवक, सरपंच, ग्राम रोजगार सेवक, उन्होंने सर्वे किया है। इस सर्वे में जो पात्र लाभार्थी थे उनको लाभ नहीं दिया। जो छोटे छोटे बच्चे और जो राजनेता है वहाँ के अपने ग्राम पंचायत का, उनके ऊपर हमारा आरोप है, उनके वजह से हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। उनको शिक्षा होनी चाहिए और पूरे हमारे ग्राम पंचायत का। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम पूरी चौकसी चौकसी की मांग करते हैं, और जो हमारे 1840 लाभार्थी बाकी है अपने ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने में, उनको जल्द से जल्द पक्का मकान मिलना चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। इसलिए हम नंदुरबार से 1000 आप मजदूरी करते? हाँ, मजदूरी करते हो, हम सब मजदूरी लोग है, हाँ आदिवासी लोग है हम। 1100 किलोमीटर ट्रेन में प्रवास करके हम दिल्ली तक आए माननीय प्रधानमंत्री साहब से मिलने के लिए, लेकिन हमको बोला गया कि तुम प्रधानमंत्री साहब से नहीं मिल सकते है। इसकी वजह से हमारा विज्ञापन था वो हमने सौंपा है पुलिस को, हाँ सौंपा है, पर हमारा इच्छा था कि माननीय प्रधानमंत्री साहब से मिलके हमारा जब चर्चा करनी थी वो चर्चा होती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हम गरीब आदमी थे, हमारे कोई नहीं सुनता, इसलिए हम डायरेक्ट दिल्ली तक आए। देखिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रचार टीवीओं में दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रचार जो है पेपरों में दिखाए जाते हैं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब कहीं ना कहीं धरातल पर जो है दिख नहीं रहे हैं। जमीनी स्तर पर ये सब योजनाएं कहाँ हैं? आखिर इसका लाभ कौन उठा रहा है? ये मजदूर आज नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि इनको जो आवाज, इनके फॉर्म जो भरे गए थे इनको क्यों नहीं मिल रहे हैं। यही मांग है इनकी कि इनको इनके आवाज मिलने चाहिए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, अंधा बाटे रेबड़ी अपने अपने को दे, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी ये चीज हो रही है। पंचायत जी, ग्राम पंचायत जी जो कि इनके फॉर्म तो भर लिए, लेकिन वो आवास योजना जो प्रधानमंत्री के तहत दी जानी चाहिए मजदूरों को, दलितों को, दबले कुचलों को, लेकिन वो अपने ही परिवार वालों को ग्राम पंचायत जी दे रहे हैं योजना का लाभ। मेरा नहीं, ये इन्हीं लोगों का कहना है, क्यों ऐसा ही है? हाँ मैडम ऐसे ही है, हमारा ग्राम पंचायत का जो सदस्य और सरपंच है, एक सदस्य का एक 6 साल का बच्चे है, उसका फाइनल यादी में, दो यादी में उनका नाम आया, एक 6वीं में पढ़ता है उसका फाइनल यादी में नाम आया है, जो 65 साल हुए 2011 के सर्वे में भी उनको लाभ नहीं मिला। अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये ग्राम पंचायत कांग्रेस की बिलोंग करती है, सभी 17 सदस्य और सरपंच, उप सरपंच, डिप्टी सरपंच सब कांग्रेस के ही है। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि अब जो अलॉटमेंट आपके होने थे वो आपको मिलने चाहिए। आप लोग कहाँ, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? हाँ झोपड़ी में रहते, सबका कच्चा मकान है, और मजदूरी करके ये अपना ऊस तोड़ करके ये गुजरात में और पंढरपुर जाके ये गुजारा करते सब लोग। अब भी हम उतने लाम ईटा धोते होंगे, ईटा, हाँ मकान वकान का जो होता है, हाँ वो, और जो अपना ऊस तोड़ी का काम है, गन्ना काटने का काम करते है। देखिए जिसको जिसका हक मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का भी विषय है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि सरकार को इसके ऊपर जो है एक बड़ी बैठक बनानी चाहिए और इस पर जांच कहीं ना कहीं करवानी चाहिए। जो भी दोषी है उसको कहीं ना कहीं उसको दंड भी मिलना चाहिए और इनको इनका हक
मिलना चाहिए। एक बोलना था मुझे, हमारी जो सांसद है डॉक्टर हिना विजय कुमार जी गावित, उन्होंने पिछले 2021 में सीबीआई की मांग भी की थी कि हमारे जिले में समझो मेरे नाम का लाभ हुआ तो मेरे नाम पे पैसे नहीं जाएंगे, दूसरे का नाम पे रजिस्ट्रेशन करके परस्पर वो पैसे दूसरे लाभार्थी के खाते में चले जाते। जो हमारे नंदुरबार जिला के जितने भी कर्मचारी अधिकारी है वो भी इसमें मिली भगत करते हैं। हमारे मिली भगत से सारा षड्यंत्र चल रहा है।